हेलो एवरीवन, आई एम दुर्गेश कुमार मिश्रा एंड वंस अगेन वी वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट इट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MANIT भोपाल ने PhD की एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो जो कैंडिडेट्स MANIT भोपाल से PhD करना चाहते हैं वे MANIT भोपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को MANIT भोपाल के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म 29 अक्टूबर 2020 तक सबमिट करनी होगी। MANIT भोपाल में 15 डिपार्टमेंट्स में लगभग 200 सीट्स अवेलेबल हैं। कैंडिडेट्स को कंप्लीटेड फॉर्म के साथ साथ प्रोसेसिंग फीस भी सबमिट करनी होगी। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए प्रोसेसिंग फीस है 1500 रुपीज़ और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए अप्लीकेशन फीस है 1000 रुपीज़ विच इज़ नॉन रिफंडेबल। यह प्रोसेसिंग फीस कैंडिडेट्स को असिस्टेंट रजिस्ट्रार MANIT भोपाल में सबमिट करना होगा विद इन 29 अक्टूबर 2020। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स के पास कंसर्न सब्जेक्ट की बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम मार्क्स ऑफ 65%। SC ST और PWD कैंडिडेट्स को इसमें 5% की छूट दी गई है। मतलब इन कैंडिडेट्स के पास कंसर्न सब्जेक्ट की बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ अ मिनिमम मार्क्स ऑफ 60%। कैंडिडेट्स को गेट या नेट इन दोनों में से कोई भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि MANIT भोपाल में किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट्स खाली हैं। तो MANIT भोपाल में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 26 सीट्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 20 सीट्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 20 सीट्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के लिए 20 सीट्स अवेलेबल हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट्स अवेलेबल हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 11 सीट्स अवेलेबल हैं, मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए 7 सीट्स अवेलेबल हैं, एनर्जी सेंटर के लिए 6 सीट्स अवेलेबल हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 4 सीट्स अवेलेबल हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए 19 सीट्स अवेलेबल हैं, फिज़िक्स के लिए 5 सीट्स अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री के लिए 6 सीट्स अवेलेबल हैं, मैथमेटिक्स के लिए 13 सीट्स अवेलेबल हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए 6 सीट्स अवेलेबल हैं और मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए 7 सीट्स अवेलेबल हैं। एडमिशन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट www.manit.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।